हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन के क्वेश्चन क्लास टेंथ सी बी एस ई क्वेश्चन नंबर वन इज टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम सिक्सटी फोर सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूवाइड अब देखो टू क्यूब्स एंड टू एंड क्या करेंगे उनको ज्वाइन करेंगे ठीक है और वॉल्यूम हमारे पास बोथ क्यूब्स का गिवन है सिक्सटी फोर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है तो पहले हम एक, की एक, एक, संटिमेटर, एक, संटिमेटर, एक संटिमेटर, क्यूब की डायग्राम प्लॉट करेंगे ठीक है ये क्यूब बनाया इसकी साइड हमने एज्यूम कर ली एक्स सेंटीमीटर लेंथ एक्स सेंटीमीटर एक्स सेंटीमीटर क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल लेंथ विथ हाइट सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है थीके? तो क्या लिखेंगे सबसे पहले लेट द साइड द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर ठीक है अब गिवन क्या है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब ठीक है तो क्या लिखेंगे गिवन वॉल्यूम ऑफ बोथ क्यूब्स इज इक्वल टू सिक्सटी फोर सेंटीमीटर क्यूब अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास साइड का क्यूब ठीक है साइड का क्यूब इज इक्वल टू सिक्सटी फोर सेंटीमीटर क्यूब और साइड हमने क्या एज्यूम किया है एक्स सेंटीमीटर तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू सिक्सटी फोर ठीक है जब हम सिंपल एक्स निकालेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को हम कैसे लिख सकते हैं देखो सिक्सटी फोर को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ फोर इंटू फोर इंटू फोर सिक्सटी फोर के फैक्टर्स किए ठीक है थीके? तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ फोर और फोर की पावर थ्री ठीक है ये चीज आ जाएगी तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास क्यूब रूट के साथ क्यूब क्या हो जाएगा कैंसल आउट क्या लिख सकते हैं हम इसको एक्स इज इक्वल टू फोर का क्यूब इंटू वन अपॉन थ्री थ्री के साथ थ्री कैंसल आउट तो फोर सेंटीमीटर ठीक है साइड कितनी आई फोर सेंटीमीटर देयर फोर साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर ये चीज आई हमारे पास ठीक है नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना था फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्ट इन क्यूबाइड क्यूबाइड कैसे बनेगा दो क्यूब को हम अटैच करेंगे ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास ठीक है तो टू क्यूब्स ये वाली डायग्राम बनाएंगे एक क्यूब यह बनाया हमने ठीक है सेम इसी के साथ सेकंड को क्या किया ज्वाइन किया एंड टू एंड तो क्या फिगर बनेगी हमारे पास ऐसे करके आएगा ये ठीक है दो क्यूब्स को हमने ज्वाइन किया ठीक है फर्स्ट क्यूब की साइड कितनी थी हमारे पास एक्स सेंटीमीटर एज्यूम की थी सेकंड की भी क्या होगी एक्स सेंटीमीटर ये लेंथ, x सेंटीमीटर, ये विर्थ है देन ये क्या है हमारे पास हाइट ठीक है एक्स प्लस एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आई थी फोर सेंटीमीटर तो फोर प्लस फोर फोर प्लस फोर ये कितना बन जाएगा हमारे पास टोटल एट सेंटीमीटर ठीक है एट सेंटीमीटर आ गया तो क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट वेन टू क्यूब्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड जब टू क्यूब्स को हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया ठीक है तब हमारे पास न्यू लेंथ क्या आएगी एंड देन देंथ ऑफ द लेंथ ऑफ न्यू क्यूबाइड इज या बिकम्स लेंथ अब चेंज हो जाएगी क्यूब से जब टू क्यूब्स को ऐड किया तो क्या बन जाएगा क्यूबाइट बन जाएगा ठीक है तो लेंथ क्या आई हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स तो फोर प्लस फोर इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास देन नेक्स्ट विर्थ क्या आएगी विर्थ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर तो एक्स कितना है फोर सेंटीमीटर और हाइट हाइट इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर हाइट भी आएगा हमारे पास फोर सेंटीमीटर ठीक है और फाइंड क्या करना है हमें सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइट तो क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास टू इंटू लेंथ इंटू विर्थ प्लस विर्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ वैल्यूज पुट कर देंगे टू इंटू लेंथ लेंथ की वैल्यू कितनी है एट इंटू विथ फोर सेंटीमीटर प्लस वर्थ फोर सेंटीमीटर हाइट फोर सेंटीमीटर प्लस हाइट फोर सेंटीमीटर इंटू लेंथ एट सेंटीमीटर तो टू ब्रैकेट में आएगा एट इंटू फोर थर्टी टू प्लस फोर इंटू फोर सिक्सटीन प्लस एट इंटू फोर थर्टी टू सेंटीमीटर स्क्वेयर यूनिट्स की आएगी सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है टू इंटू थर्टी टू प्लस थर्टी टू सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटीन एटी सेंटीमीटर स्क्वेयर एट्टी इंटू टू करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास वन सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वेयर तो लास्ट में क्या लिखेंगे देयर फोर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट इज इक्वल टू वन सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वेयर तो ये आपके पास आंसर आ गया ठीक है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू इज द वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिसफेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर द डायमीटर ऑफ द हेमिसफेयर इज फोर्टीन सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज थर्टीन सेंटीमीटर फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल तो सबसे पहले क्या करेंगे फिगर बनाएंगे ठीक है एक सिलेंडर बनाएंगे ये एक सिलेंडर बनाया पहले ठीक है अब द वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिसफियर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर ये हमने एक सिलेंडर बनाया ठीक है और यहीं पे क्या बनाएंगे बाउल बनाएंगे ठीक है हेमिस्फीयर ये चीज बन गई हमारे पास अब देखो हमारे पास गिवन क्या था गिवन है हमारे पास द हाइट ऑफ द वेसल इज थर्टीन सेंटीमीटर टोटल हाइट कितनी है वेसल की थर्टीन सेंटीमीटर ये कंप्लीट हमारे पास थर्टीन सेंटीमीटर है ठीक है द डायमीटर ऑफ द हेमिसफियर इज फोर्टीन सेंटीमीटर डायमीटर कितना है हमारे पास फोर्टीन सेंटीमीटर ये कंप्लीट है हमारे पास फोर्टीन सेंटीमीटर ठीक है तो सिलेंडर का डायमीटर भी कितना आएगा हमारे पास फोर्टीन सेंटीमीटर ठीक है और रेडियस कितना होगा रेडियस डायमीटर का हाफ रेडियस आर आएगा हमारे पास सेवन सेंटीमीटर ठीक है हॉलो हेमिस्फीयर इसका भी हमारे पास रेडियस कितनी आएगी सेवन सेंटीमीटर ठीक है और ये चीज भी कितनी होगी सेवन सेंटीमीटर अब सिलेंडर की हाइट हम कैसे निकालेंगे देखो सिलेंडर की हाइट हम निकालेंगे थर्टीन कंप्लीट बैसिल में से सबटेक कर देंगे सेवन तो थर्टीन माइनस सेवन कितना होता है सिक्स सेंटीमीटर ठीक है ये चीज क्या आएगा हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर अब जो चीजें गिवन है वो लिखेंगे हम सबसे पहले ठीक है डायामीटर ऑफ डायामीटर ऑफ हेमिसफियर कितना गिवन है हमारे पास फोर्टीन सेंटीमीटर और डायामीटर ऑफ हेमीस्फियर एंड सिलेंडर दोनों क्या है सेम है तो हम इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सिलेंडर ये चीज भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू फोर्टीन सेंटीमीटर ठीक है डायामीटर हमारे पास ये चीज गिवन थी क्वेश्चन में गिवन थी आपके पास डायामीटर ऑफ द हेमिस्फ़ेयर इज फोर्टीन सेंटीमीटर ठीक है तो यहां से हम रेडियस निकालेंगे रेडियस कितना आएगा रेडियस ऑफ हेमिसफेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर डायमीटर का हाफ ठीक है तो सेवन सेंटीमीटर यह भी कितना है हमारे पास सेवन सेंटीमीटर अब टोटल हाइट कितनी है वैसल की टोटल हाइट ऑफ वैसल इज इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर कंप्लीट कितनी है थर्टीन सेंटीमीटर ये चीज भी गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास ठीक है अब हमें हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है यहां से तो कितना आएगा हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू थर्टीन माइनस सेवन इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे पास सिक्स सेंटीमीटर ठीक है लास्ट में हमें फाइंड क्या करना है फाइंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द वेसल इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है ठीक है तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे कर्ब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्ब सरफेस एरिया ऑफ हेमोस्फियर ठीक है कर्ब सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं तो क्या लिखेंगे सरफेस एरिया या इन्नर सरफेस एरिया इन्नर सर्फेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास इन्नर सरफेस एरिया इन्नर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ऐड करेंगे इन्नर सरफेस एरिया ऑफ इन्नर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है आप अलग अलग भी इसको इंडिविजुअल भी डिफाइन कर सकते हो फाइंड कर सकते हो फिर ऐड कर लो लास्ट में या फिर दोनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो तो क्या आएगा हमारे पास इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास किस चीज का इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास कब्ड सरफेस एरिया टू पाई आर एच रेडियस को आर से डिनोट किया और हाइट को एच से डिनोट किया ठीक है प्लस इनर सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमीस्फेर तो इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फियर क्या होता है टू पाई आर स्क्वेयर ठीक है अब देखो यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं टू पाए आर तो ब्रैकेट में क्या आएगा एच प्लस आर अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही चीज आएगी ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको वैल्यूज पुट कर देंगे 2 इन पाई पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 22 टू अपॉन सेवन ठीक है इन टू आर आर की वैल्यू है क्वेश्चन में हमारे पास देखो सेवन सेंटीमीटर इन टू एच हाइट कितनी आई थी हमारे पास हाइट किसका था ये इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो सिलेंडर की हाइट सिक्स सेंटीमीटर आई थी हमारे पास ठीक है ध्यान रखना ये चीज कंप्लीट हाइट नहीं पुट करोगे सिलेंडर की हाइट पुट करोगे प्लस आर रेडियस कितना है हमारे पास सेवन सेंटीमीटर और यूनिट्स क्या आती है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्र इज इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे 7 के साथ थर्टीन सेंटीमीटर स्क्वेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास फाइव सेवनटी टू सेंटीमीटर स्क्य लास्ट में क्या लिखेंगे देयर फोर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेस्ल इज इक्वल टू फाइव सेवेंटी टू सेंटीमीटर स्क्वेयर तो यह आपके पास आंसर आ गया ठीक है कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने यहां पर कर्ब सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्ब सर्फेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर ठीक है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अटवाए

अब कौन जो था वो माउंटर था किसके साथ हेमिसफेयर के साथ, साथ ठीक है तो हेमिसफियर प्लॉट करेंगे बाउल की शेप में ये फिगर बनी हमारे पास अब क्या क्या चीज गिवन है हमारे पास द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट कितनी है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर ये चीज गिवन है ठीक है देन फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर रेडियस कितनी है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर हेमिसफियर की रेडियस कितनी आएगी 3.5 सेंटीमीटर ठीक है तो ये वाली चीज भी क्या होगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर रेडियस ठीक है अब कौन की रेडियस कोन की हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे 15.5 से लेस कर देंगे हम थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव होगा यहाँ पर थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो ये कितना आता है हमारे पास फिफ्टीन पॉइंट फाइव माइनस थ्री पॉइंट फाइव ये आएगा हमारे पास कोन ऑफ हाइट आएगा हमारे पास ट्वेल्व सेंटीमीटर कितना आएगा ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है ये वाली हाइट इसको डिनोट कर देंगे एच से और ये आएगा ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है अब जो चीज गिवन है वो लिखेंगे क्या गिवन है हमारे पास रेडियस ऑफ कोन देखो रेडियस ऑफ कोन भी कितना है थ्री पॉइंट फाइव ठीक है और रेडियस ऑफ भी क्या है सेंटीमीटर तो हम रेडियस ऑफ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिसफियर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और इसको डिनोट करेंगे हम आर से इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास ठीक है टोटल हाइट टोटल हाइट कितनी है टॉय की टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर टोटल हाइट कितनी है फिफ्टीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास ये भी ठीक है अब हाइट ऑफ कोन हाइट ऑफ कोन किससे डिनोट करेंगे एच के साथ इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन कैसे निकालेंगे फिफ्टीन पॉइंट फाइव कंप्लीट था इससे सबटेक्ट करेंगे थ्री पॉइंट फाइव फिफ्टीन पॉइंट फाइव माइनस थ्री पॉइंट फाइव इज इक्वल टू कितना आता है हमारे पास ट्वेल्व सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन कितना ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है अब देखो हमें क्या फाइंड करना है एल स्लांट हाइट तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास स्लांट हाइट ऑफ कोन डिनोट करेंगे एल के साथ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस एच स्क्र आर क्या है हमारे पास रेडियस और एच क्या है हमारे पास हाइट ठीक है तो एल इज इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ आर स्क आर की वैल्यू कितनी है थ्री पॉइंट फाइव होल स्क्र प्लस एच स्क्र एच की वैल्यू कितनी है ट्वेल्व का स्क्यर कितना आ जाएगा हमारे पास थ्री पॉइंट फाइव का स्क्वेयर आता है हमारे पास ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव प्लस ट्वेल्व का स्क्वेयर होता है वन फोर्टी फोर ऐड कर देंगे दोनों को तो कितना आएगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव प्लस वन फोर फोर तो ये आएगा वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव ठीक है अब रूट निकाल लेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास लैंड हाइट इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास ट्वेल्व पॉइंट फाइव ठीक है शॉर्टकट होता है ट्वेंटी फाइव है तो फाइव का स्क्वेयर करेंगे फिर यहां पर स्क्वेयरिंग करेंगे फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव सिक्स सिक्स जटी सिक्स सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन एट एट जा एंड का 13 वन सिक्सटी नाइन वो ज्यादा हो जाता है तो ट्वेल्व इंटू थर्टीन करेंगे ठीक है तो वन फिफ्टी सिक्स आता है तो ये हमारे पास स्क्र आ गया या फिर आप लॉन्ग डिविजन मैथड से भी फाइन कर सकते हो ठीक है ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये क्या है हमारे पास एल स्लैंड ठीक है अब हमें फाइंड क्या करना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे देखो क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दोनों को ऐड कर देंगे ठीक है आप इंडिविजुअल भी फाइंड कर सकते हो या कंप्लीट एक साथ भी कर सकते हो तो क्या लिखेंगे सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमस्फेयर ठीक है दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास पाएआरएल ठीक है एल स्लाइंट हाइट स्मॉल एल लिया था प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफियर क्या होते हैं हमारे पास टू पाई आर का r क्या है रेडियस एल क्या है हमारे पास स्लांट हाइट इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देंगे ठीक है अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं पाए आर पाए आर यहां भी है पाए आर यहां भी है तो पाए आर कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में आएगा एल प्लस टू आर अब वैल्यूज पुट कर देंगे ई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू आर आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव ब्रैकेट में कितना आएगा एल एल की वैल्यू आई थी हमारे पास एल की वैल्यू आई थी ट्वेल्व पॉइंट फाइव स्लांट हाइट ठीक है तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव प्लस टू इंटू आर आर की वैल्यू है हमारे पास थ्री पॉइंट फाइव यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वेर ठीक है अब सेवन के साथ थ्री पॉइंट फाइव को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा पॉइंट फाइव ट्वेंटी टू इंटू जीरो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास ट्वेल्व प्लस टू इंटू थ्री पॉइंट फाइव करेंगे तब कितना आता है हमारे पास सेवन सेवन पॉइंट जीरो आएगा आप सेवन भी लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वेर ठीक है ट्वेंटी टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई करके आएगा वन टेन पॉइंट लगेगा डेसिमल है तो इलेवन पॉइंट जीरो ब्रैकेट में आएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव प्लस सेवन तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे इलेवन के साथ नाइनटीन पॉइंट फाइव को तब कितना आता है सॉल्व करके हमारे पास टू वन फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है तो लास्ट में क्या लिखेंगे देअर फोर टोटल सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू टू वन फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर तो ये आपके पास आंसर आया सॉल्व करके ठीक है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड सेवन सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ अमिस्फेयर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिसफेयर कैन हैव फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या फाइंड करना है हमें सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ठीक है अब देखो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है फिगर प्लॉट करना फिगर बनाना तो एक क्यूब बनाएंगे क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल सेवन सेंटीमीटर सेवन सेंटीमीटर सेवन सेंटीमीटर ऑल साइड्स क्या होंगी ये सेवन सेंटीमीटर ठीक है अब क्यूब के ऊपर हम क्या रखेंगे एक हेमिसफेयर प्लॉट करेंगे हेमिसफेयर बनाएंगे तो ये मैंने क्या किया डायमीटर लिया हेमिसफियर का एक डायमीटर बनाया ठीक है अब हाइट कितनी थी लेंथ कितनी है सेवन सेंटीमीटर तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या आएगा सेवन सेंटीमीटर ये कंप्लीट कितना होगा सेवन सेंटीमीटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे सेवन अपॉन टू डायमीटर का हाफ तो वो कितना आता है थ्री पॉइंट फाइव ठीक है रेडियस आर यहां पर भी आर कितना आएगा देखो थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो जो चीज हमारे पास गिवन है सबसे पहले वो चीज लिखेंगे हम क्या चीज गिवन है हमारे पास साइड ऑफ साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर ये चीज गिवन है हमारे पास ठीक है और डायमीटर ऑफ हेमिसफियर भी क्या होगा हमारे पास सेवन सेंटीमीटर ठीक है जो डायमीटर ऑफ हेमिसफियर होगा वो इक्वल टू आएगा हमारे पास साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का तो हम क्या लिख सकते हैं इसको देखो डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू डायामीटर कितना है हमारे पास सेवन सेंटीमीटर अब हमें क्या फाइंड करना है रेडियस तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू कितना आएगा सेवन अपॉन टू डायमीटर का हाफ तो सेवन अपॉन टू डिवाइड करेंगे टू थ्री जिक्स डेसिमल वन कैरी टू फाइव जन थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये चीज कितनी आएगी थ्री पॉइंट फाइव रेडियस कितनी है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड कंप्लीट का एरिया फाइंड करना है हमें तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे देखो क्या क्या चीज बन रही है हमारे पास क्यूब हेमिस्फीयर तो क्या लिखेंगे सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू आप एरिया इंडिविजुअल भी फाइंड कर सकते हो या फिर कंप्लीट ऐड करके भी कर सकते हो एक साथ ठीक है तो क्या लिखेंगे पहले तो सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किस चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्रैकेट में आएगा हमारे पास एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर ठीक है और प्लस करेंगे किस चीज को कब्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फियर कब्ड सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर ठीक है क्या करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इस कंप्लीट का क्या निकालेंगे सरफेस एरिया माइनस करेंगे माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर एरिया ऑफ बेस बेस का हेमिस्फीयर एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्ब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कंप्लीट कब सरफेस एरिया क्या निकालेंगे सरफेस एरिया फाइंड करेंगे हेमिसफेयर का ठीक है अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फॉर्मूला बन फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास सिक्स इंटू साइड का स्क्वेयर तो साइड यहां पे एल एज्यूम कर लो ठीक है तो सिक्स एल का स्क्वेयर आएगा सिक्स इंटू साइड का स्क्वेयर ठीक है माइनस सब क्या करना है एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिसफेयर तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्र आर क्या है हमारे पास रेडियस ठीक है प्लस करेंगे कर्ब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर तो कर्ब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है टू पाई आर का स्क्वेयर ठीक है अब वैल्यूज पुट कर देंगे सिक्स इंटू एल का स्क्र एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास एल साइड्स ऑफ क्यूबाइड कितना था सेवन सेंटीमीटर तो सेवन का स्क्वायर माइनस पाए पाए की वैल्यू कितनी पुट करेंगे अब देखो आप यहां से कॉमन भी ले सकते हो यहां पर पाई आर स्क्वायर है यहां पर टू स्क्वायर है ठीक है तो टू पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर लेस कर दो कितना आएगा हमारे पास प्लस का पाए आर स्क्वायर प्लस का पाए आर स्क्वायर आएगा ध्यान रखना ये बात ठीक है अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं सिक्स इंटू सेवन का स्क्वायर कितना होता है फोर्टी नाइन प्लस पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू आर का स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है थ्री पॉइंट फाइव ये चीज है हमारे पास या फिर हम सेवन अपॉन टू ये भी लिख सकते हैं सेवन अपॉन टू इंटू सेवन अपॉन टू और यूनिट्स क्या आएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर सिक्स इंटू फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई करेंगे आता है हमारे पास टू फोर्टी नाइन सॉरी टू नाइनटी फोर टू फोर आएगा मल्टीप्लाई करके प्लस सेवन के साथ सेवन कैंसिल आउट हो जाएगा टू के साथ ट्वेल्व uh, करेंगे तो so, कितना सेंटीमीटर से 77 को डिवाइड करेंगे कैरी कैरी बना 2, 16, 1 0 लगेगा डेसिमल का 2, प्लस थर्टी एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर ऐड कर लेंगे दोनों को ऐड करके कितना आएगा हमारे पास थ्री थ्री टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है लास्ट में क्या लिखेंगे देयर फोर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू थ्री थ्री टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर ये आपके पास आंसर आ गया ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है लेकिन इसके लिए आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव इज हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिसफेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द साइड डिटरमाइन द सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड सबसे पहले हम क्या करेंगे एक फिगर प्लॉट करेंगे ठीक है क्यूब बनाएंगे ये क्यूब बना लिया हमने ठीक है अब इसके ऊपर हेमिसफेयर प्लॉट करेंगे ठीक है और हेमिस्फेरिकल डिपर्जन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ एल वो एल लिया हुआ है यहां पर तो क्या लिख सकते हैं हम इसको देखो कैसे प्लॉट करेंगे यहां पर सपोज करो ये मैंने डायमीटर लिया ठीक है तो ये एक हेमिसल बनाएंगे यहां पर ऐसे आएगा ठीक है और लेंथ क्या है हमारे पास एल ऑल साइड्स क्यूब की क्या होती है इक्वल तो ये क्या आएगा एल एल और एल ये चीज आया हमारे पास ठीक है डायमीटर क्या है एल तो रेडियस क्या होगा रेडियस इसका हाफ एल अपॉन टू ये चीज आएगी हमारे पास अब जो चीज गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे क्या लिखेंगे लेट द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल साइड ऑफ क्यूब क्या ले लिया हमने एल ठीक है सेंटीमीटर अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास डायमीटर ऑफ हेमिसफियर क्या होगा डायमीटर ऑफ हेमिसफियर गिवन था हमारे पास एल ठीक है तो वो साइड ऑफ क्यूब के इक्वल होगा तो क्या लिख सकते हैं हम डायमीटर ऑफ हेमिसफियर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा एल ठीक है और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ हेमी इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास एल अपॉन टू सेंटीमीटर अब हमें फाइंड क्या करना था द सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ठीक है तो रिमेनिंग सॉलिड कैसे फाइंड करेंगे हम क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स या क्यूबाइट क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट प्लस सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और इसमें से माइनस करेंगे जो क्यूबिकल बॉक्स इसका जो हमारे पास क्या आएगा एरिया आएगा सबटेक्ट क्या करेंगे हम इसमें से एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द क्यूब एरिया ऑफ या एरिया ऑफ हेमिस्फेयर भी लिख सकते हो ठीक है या एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द क्यूब ठीक है अब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास देयर फोर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट क्या होता है हमारे पास सिक्स इन टू साइड का स्क्वेयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हैमिस्फेयर ये क्या होता है हमारे पास टू पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ द क्यूब एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं पाए आर स्क्वायर ठीक है ये फॉर्मूला अब यहां पर क्या करेंगे हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे दे आर फोर सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू सिक्स इंटू साइड साइड कितनी है हमारे पास एल तो एल का स्क्वेयर आएगा प्लस टू पाई आर स्क्र टू इंटू पाई इंटू आर का स्क्यर आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास एल अपॉन टू होल स्क्र माइनस पाई आर स्क्र ठीक है पाई आर स्क्र आर की वैल्यू कितनी है एल अपॉन टू का होल स्क्र तो क्या आ जाएगा आपके पास सिक्स एल देखो टू पाए आर स्कर है माइनस पाए आर स्क्र है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको प्लस पाए आर स्को पाएलॉन टू होल स्क्र ठीक है कितना आ जाएगा यहां पर हमारे पास सिक्स एल का स्क्वेयर प्लस पाए एल स्क् अपॉन टू टू ज फोर तो पाए एल स्क् अपॉन फोर ये चीज आ जाएगी हमारे पास ठीक है अब यहां से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं यहां से हम कॉमन ले सकते हैं देखो एल स्क् तो ब्रैकेट में कितना आएगा सिक्स प्लस पाए अपॉन फोर और यूनिट्स क्या आएंगे हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आप यहां तक भी सॉल्व कर सकते हो या नेक्स्ट इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट कैसे करेंगे देखो एल ब्रैकेट के अंदर क्या ले लो एल्सियम तो एल्सियम फोर आएगा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर प्लस पाए सेंटीमीटर स्क्वेयर यस यूनिट्स ठीक है अब देखो यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो एल फोर एल स्क् अपॉन फोर ये चीज कॉमन ले ली तो ब्रैकेट में आएगा ट्वेंटी फोर प्लस पाए सेंटीमीटर स्क्वेयर आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो आप यहां तक भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है आपकी अपनी च्वाइस है थैंक यू स्टूडेंट